नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ट्रैवलर्स के बॉयकॉट के बाद मालदीव पर्यटन की स्थिति खराब हो गई। मालदीव के टूरिज्म और ट्रैवलर एसोसिएशन ने अपने देश के पर्यटन में सुधार के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई। इसको लेकर मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवलर्स एजेंट एंड टूर ऑपरेटर्स ने भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से सोमवार को मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन ने उच्चायोग से मालदीव के पर्यटन में सहयोग करने की बात कही। उच्चायुक्त से मुलाकात के बाद एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि मालदीव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। साथ ही भारत के प्रभावशाली और मीडिया परिचित लोगों को मालदीव की यात्रा कराने पर काम चल रही है। दरअसल दोस्तों, जनवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लक्षद्वीप को पर्यटन के स्थल के रूप में पेश किया गया था। इसके बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारत में मालदीव बॉयकॉट का ट्रेंड चलने लगा। डैमेज कंट्रोल के लिए मालदीव की सरकार ने 3 मंत्रियों को पद से हटा दिया। इसके बावजूद मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। इस घटना के बाद मालदीव में लगातार भारतीय पर्यटकों की संख्या कम होती जा रही है। दोस्तों, जनवरी महीने से पहले जब ये पूरा कांड हुआ, उससे पहले भारत मालदीव का सबसे बड़ा टूरिस्ट मार्केट था। साल 2021, 22 और 23 में सबसे अधिक भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे। मालदीव मीडिया अदादू की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में 41,000 से अधिक भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। वहीं मार्च 2024 में महज 27,224 भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव की यात्रा की। साल 2023 में 17 लाख से अधिक पर्यटक मालदीव की यात्रा पर गए थे, जिसमें से सबसे अधिक 2,10,000 के करीब भारतीय ट्रेवलर्स थे। इसके बाद रूस और चीनी के यात्री रहे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर, हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।